अभी मैं जस्ट दो लाइन है क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है तो महादेव पे कुछ तो होना चाहिए। तो सुना लिखा है कि क्यों रहते हो चिंता में, खुश रहो सदैव, गम किस बात का जब संग हो महादेव। थैंक यू। चलो फिर एक सुनाता हूँ कि अगर कोई लड़की लड़की है वो मुझे पसंद करती है तो उस पर लिखा है कि अच्छा सुनो, कुछ कह रही थी तुम कि अगर तुम गुलाब जामुन हो तो मैं कलाकंद हूँ, सुनने में आया है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, मुझे भी तुम्हारी रहन सहन अच्छी लगती है, पर सच पूछो तो मुझे तुम्हारी बहन अच्छी लगती है। वैसे एक बात तो है, दोस्ती अच्छी जमेगी हमारी, पर हाँ कहना चाहूँगा कि पसंद बुरी नहीं है तुम्हारी। थैंक यू सो मच। आरक्षण का मतलब पता सबको, आरक्षण मिलता पिछड़े जाति, मतलब आई एम सॉरी मतलब पिछड़ा हुआ पे मिलता है। तो इश्क में अगर आरक्षण मिलना चाहिए तो उस पर लिखा है मैंने कि तुम्हें निहारने से सुख है मुझे, अपने समय का कुछ क्षण दो मुझे, तुम्हें निहारने से सुख है मुझे, अपने समय का कुछ क्षण दो मुझे, वैसे शक्ल से मैं भी पिछड़ा हुआ हूँ, सरकार आरक्षण दो मुझे। एक मर्दों पे है कुछ ऐसा, मर्द रोते नहीं है, मर्द हो तुम मर्द रोते नहीं हैं, ये तो मर्द जानते हैं कि कभी ना कभी तो उनको रोना पड़ता है, और कुछ आंकड़े हटा दें तो मर्द को हमेशा अपनी पसंदीदा औरत को खोना पड़ता है। स्कूल फेयरवेल होता है, कॉलेज फेयरवेल, तो पूरी आप कभी इमेजिन नहीं किए होते हो कि भाई ये लड़की ऐसी दिखेगी कभी। तो फेयरवेल पे लिखा है कि इतने सालों से जानता था उसे, विश्वास नहीं था जैसे उसने मेरे दिलो दिमाग का झोल बना दिया, इतने सालों से जानता था उसे, विश्वास नहीं था जैसे उसने मेरे दिलो दिमाग का झोल बना दिया, क्योंकि जब फेयरवेल के दिन देखा उसे तो यार खुले बाल साड़ी पहने उसने पूरा माहौल बना दिया। एक लिखा है कि जिंदगी में बहुत गलतियां करी, बहुतों ने बहुत कुछ कह डाला, पर गुरूर है मुझे अपने आप पे कि आज तक कभी देख अपनी लड़की ने अपना दुपट्टा नहीं संभाला। थैंक यू सो मच। एक पापा पे है कि मेरी कामयाबी के चर्चे बेशुमार करते हो, मेरे लिए जो लाड है वो कभी माँ से बयां करते हो, मेरे असफल होने पर मुझसे सवाल करते हो, और पता है मुझे मन ही मन मेरा कितना ख्याल रखते हो, बाप हो हमारे थोड़ा गले लगा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्या पापा आप भी कमाल करते हो। चलो कोई एक्स अपनी एक्स से मिलता है बाद में, तो उस पर लिखा है कि उसने कहा मुझसे तुम बदल गए हो, उसने कहा मुझसे तुम बदल गए हो, हर बात बोलने से पहले क्यों इतना संभल रहे हो, उसने कहा मुझसे कि तुम बदल गए हो, हर बात बोलने से पहले क्यों इतना संभल रहे हो, मैंने कहा अब कैसे बताऊं कि क्यों ऐसी मेरी हालात है, मैंने कहा कि अब कैसे बताऊं कि क्यों ऐसी मेरी हालात है, बस सब ठीक चल रहा था और एक दिन एक तुमसे मुलाकात है। थैंक यू सो मच। चलो माँ पे सुना देता हूँ। खुद को कभी नीचा मत समझना, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी कमियाँ पहचानती है, खुद को कभी नीचा मत समझना क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी कमियाँ पहचानती है, अगर शक है खुद पे तो अपनी माँ से पूछो, वो तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है।
बेहतरीन नज़मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।